गाइज गुड मॉर्निंग व्हाट्स अप वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंडर क्वीन। यस तो गाइज कल मैं पहुंच गई हूँ हिमाचल में जीबी, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जीबी है वहाँ पे पहुंच गई हूँ। अभी यहाँ पे आने में कल बहुत ज़्यादा मशक्क़त की हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा रोड ख़राब है जीबी पहुँचने के लिए। तो उसके बाद अभी कल का तो कोई व्लॉग बन नहीं पाया क्योंकि काफ़ी शाम हो गई थी। इट्स अ 480 किलोमीटर्स। सो अभी मैं निकल रही हूँ जलोरी पास, वहाँ रघुपुर फोर्ट है वहाँ पे हम जा रहे हैं जलोरी पास से। चल जल्द से जल्द निकलते हैं। तो बीच बीच में ना मैं जब बोलूँगी बस इतना शूट करना, आप इतना पकड़ लेना ऐसे। हाँ ऐसे ही पकड़ना पड़ेगा आपको। प्रेस समथिंग ये हाथ डाउन, हाँ नथिंग एल्स। या तो दूसरा ऑप्शन नहीं है। चलो बंद मत करना, रुको। सो गाइस चलिए हम यहाँ पे हिमाचल में सिड्डू खाते हैं। सिड्डू हेलो दीदी। बस स्पेशली रेडी हो रहा है। चलो ऐसे होता है ये। हाँ जी, स्टीम होता है ना। हाँ, स्टीम। ये आटा है, चावल और गेहूं का आटा, सुपर फाइन आटा था वो है। इसके अंदर फिलिंग में अखरोट है, हम लोग अखरोट और मूंगफली वाला बनाते हैं। ओके ओके ओके, ठीक है रेडी कर दो, हम बहुत भूखे हैं। वेट करते हैं, खाएंगे यम्मी यम्मी सिड्डू। इतना इज्जत होगी तो पहुंचेंगे नहीं हम। चलो ये लोग फंस चुके हैं। आप क्यों रुक रहे हो? नहीं ये पीछे कर रहा हूँ। अच्छा धूल पड़ रही है यार आंखों में। धूल पड़ रही है आंखों पे। तो तुम ये नहीं लाए हो ग्लासेस? सनग्लास ना, काफी चीजें थी जो रह गई। हाँ यार मेरा भी ऐसे हुआ है, मैं तुमको बोल रही हूँ मैं खुद नहीं। बट दिस इज वेरी गुड यार टू राइड, बहुत अच्छा राइड, इसका राइड क्वालिटी बहुत अच्छा है। अभी थोड़ा ब्रेक लूज है ना इसलिए ऐसा फील हो रहा है, अदरवाइज इवन थोड़ा भी साउंड नहीं आ रहा। हाँ उतना नहीं, मे भी इसमें पता नहीं लग रहा। मेरे हिसाब से इसी में पता नहीं लग रहा, अदरवाइज तो स्कूटी और कोई होती ना छोटे टायर वाली तो ऐसी तैसी हो जाता। गड्ढे भी बहुत ज़्यादा महसूस होते हैं ना उसमें। ये जलोरी पास का रास्ता यही है ना? ठीक है कंफर्म कर, कंफर्म करना। मुझे ये बहुत ज़्यादा ये है यार, क्या बोलते हैं, अटैचमेंट हो जाती है बहुत जल्द क्योंकि मुझे DSLR लेना है यार। DSLR? हाँ मिररलेस। मिररलेस हाँ ले लो, तुम मुझे तो समझ नहीं आ रहा।
अब देखो यहाँ पे धीरे धीरे क्या माहौल होता जा रहा है। अब देख रहे हो यहाँ पे क्या स्टीप है। हाँ। ये सीरियस सीधे व्हाट द फक। पूरा राइड ऐसी थी मेरी जो आई है ना, ऐसी थी। बस कैसे चढ़ती है यहाँ पे यार, माय गॉड, फर्स्ट गियर पे चढ़ती होगी। वाओ वो देखो ना कैसे ऊपर जा रहा है और सारा का सारा रास्ता। I want to see mountains. These are all hills. पीछे बैठना है? नहीं नहीं नहीं, मैं वो कह रहा हूँ I want to see mountains. ये these are all hills ना? हाँ hills. Mountains देखने मेरे को यार। तो तुम अन्नपूर्णा ट्रैक क्यों नहीं करते हो? Where is it? अरे अन्नपूर्णा ट्रैक तो जानते हो यार, नेपाल। ओह अच्छा नेपाल। हिमाल ये वेरी स्पेस कैंप सर। ओह माउंट एवरेस्ट है ना, उसके बेस कैंप तक का ट्रैक है। नेक्स्ट ईयर कर सकते हैं। हाँ मैं पता है कहाँ जा रहा था अभी, मतलब यहाँ नहीं आ रहा था मैं, आई वॉज गोइंग किन्नौर कैलाश, इट्स इन कैलाश ओनली। कैलाश जो वो माउंटेन सॉरी एवरेस्ट की जो माउंटेन है, सॉरी ये जो रेंज है पूरी हिमालयाज की जो रेंज है वहीं पे है वो किन्नौर कैलाश, एंड इट इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट ट्रैक। तो पर फिर वहाँ पे मैं, अच्छा हुआ मैंने किसी से कॉल पे पूछ लिया कि मैं अगर आऊँगा तो मेरे को वो मिल जाएगा वहाँ पे स्टे, एंड दे सेड कि आपको जाना का है, मतलब वहाँ तो ही सेड कि वो यात्रा बंद हो रखी है अभी, वो देवता ने रोक लगा रखी है, जैसे यहाँ पे देवता होते हैं ना, देवता ने रोक लगा रखी है कि अभी कोई नहीं करेगा। हाँ तो वहाँ पे बैन है कि अभी नहीं करेगा कोई, बिकॉज देवता ने लोग रोक लगा रखी है। और भाई मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इट्स लिटरली बहुत अच्छी है, दे देते हैं। हाँ दे देते हैं कि जाओ अब। हाँ अभी मैं आते हुए भी ऐसे, वो मैं एकदम सामने आ रही थी तो उन्होंने हाथ सिग्नल किया रुक जा, तो मैं रुकी, फिर बाद में वो आगे से पता चला कि कार आ रही है, फिर मुझे लेट दिए, बोले जाओ, फिर मैं निकली। नहीं और ये बहुत अच्छे से देते हैं, बहुत अच्छे हैं, वेरी गुड। ये नहीं करते कॉम्पिटिशन, नहीं करते दिल्ली वाले, बिल्कुल नहीं, दिल्ली वाले तो आगे नहीं निकलने देंगे हमें, चल तुझे आगे निकलने दूंगा। ऐसे कैसे निकल गई, वो भी लड़की हो तो हो भाई साहब। गाड़ियों का तो जान निकल जाएगा, क्लच प्लेट फूक जाती है पता है इनकी, जाम में तो इनकी क्लच प्लेट फूक जाती है। यहाँ पे हॉर्न देना, मुझे ऐसे टोकने की नहीं 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 होता है। चलो लकीली मोड़ पे नहीं मिला यहाँ पे, क्योंकि वैसे मोड़ पे अगर कोई मिल जाए ना तब तो बहुत दिक्कत है। What is that? What is that? Okay. You can go. यहाँ पे तो हिमालयन, चाहे तो मुझे BMW खड़ा कर दो, मुझे हिमालय नहीं पसंद आता। अब अच्छा हो गया है ना? Flowers यार, oh my god. And just मतलब feel it. It's getting cold. But ठीक है, bearable है. ऐसा नहीं कि हाँ नहीं 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 वैसा नहीं, क्या बोलते हैं, अच्छा अच्छा वाला, अच्छा वाला। एक बार बारिश हो जाए मज़ा आ जाएगा यहाँ पे यार। बारिश यार बहुत ठंड हो जाएगा पता है, मेरे को बहुत पसंद बारिश, हम सब बीमार पड़ जाएंगे। कोई बात नहीं। ओ वाओ ये क्या है, ये संभल के आ। हाँ नहीं नहीं ये सब क्या है यार, ये ट्री हाउसेज है क्या? नहीं ना, नहीं घर है, होटल घर जो वो दिखा रहा था यहीं पे था वो। यहाँ पे पर अब मैं समझ गया, यहाँ पे तो तुम गाड़ी टैक्सी वगैरह किसी से आओ तो दैट्स बेटर रादर देन योर ओन थिंग। बट यार वो लगता है ना ऐसे जगहों पे ना वो क्या बोलते हैं सिकनेस हो जाती है। हाँ मोशन सिकनेस ऐसे का, और माउंटेन सिकनेस हो जाता है बंद बंद गाड़ियों में ना। यहाँ पे ध्यान से पूरा हॉर्न दे रहा, कोई चक्कर नहीं सुनाई देने, देखो भाई कहाँ आ गए हम लोग यार, वी आर एट सो मच ऑफ हाइट। हाँ तुम देखो मत टेंशन लो। नहीं नहीं हाइट का टेंशन नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है, मैं पहाड़ी हूँ भाई। मैं तो मेरे को जितना जितना ऊपर ले जाओ उतना अच्छा लगता है।
ठंड तो नहीं है यहाँ पे अभी, ये दिस इज आफ्टरनून ऑलमोस्ट। वाओ ये जगह, माय गॉड, दिस प्लेस। फ्लावर के लिए मैंने उसको घुमाया था 4 से 5 घंटे और यहाँ पे वही फ्लावर्स है। मुझे फ्लावर के लिए मैंने 3 घंटे घुमाया था उसको, मुझे ये फ्लावर देखना है। कितना ब्यूटीफुल है ये जगह। हाँ आई डोंट नो, इतना ब्यूटीफुल होगा। अच्छा हुआ ना अकेले नहीं आए वरना बोर हो जाते थे। हाँ से थैंक्स टू मी, थैंक यू। मैं बस में आता, मैं बस में आ रहा था अभी, फिर तो कोई फायदा नहीं था तुम आने का। बस में आता मैं, मैंने पूछा था उससे कल भाई कौन सी बस जाती है यहाँ से वहाँ जाती है, ही सेड हाँ जाती है ना जिलोरी पास जाती है। टैक्सी वाला ये ऑल्टो वो लेता है 2000। यहाँ क्या 2000 देना तो मुझे। ओके ये डबल बनता है यार, इतना ऊपर हवा दे रही हूँ मैं तुम्हें। कार में तो हवा भी नहीं आती है साला। अरे वाह यार ये जगह देखो, ये पेड़ जब गिरे होंगे तो उन्होंने देखो काटा है, बिकॉज ये यहाँ तक आ रहा होगा था भाई। अभी बाकी पड़ा हुआ नीचे वो गाड़ी में। कितना प्यारा लग रहा है ये रास्ता यार। ये रास्ता आई मीन वो गाड़ी वाले कहाँ चले गए? अच्छा वो रे पीछे। अब तो इट्स लाइक यार वाओ राइट। सो गाइस दिस इज अ जलोरी पास रोड जो हमारे हॉस्टल मैट पैकर हॉस्टल से था, ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर का राइड और बहुत सुंदर राइड है। बट जिसको एक्सपीरियंस नहीं है ना उनको डिफ़िकल्टी डेफिनेटली होगी क्योंकि पूरा रास्ता बहुत छोटा सा रास्ता है और ऐसे है, टेक पे है, ऑफकोर्स पहाड़ है तो टेक पे ही रहेगा, तो पूरा रास्ता ऐसे है, बहुत दिक्कत आएगी अगर आपको राइड प्रॉपरली करना नहीं आता है। तो रघुपुर फोर्ट जलोरी पास से और ऊपर जाके ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 3 किलोमीटर के आसपास आपको मिलेगा। तो अभी फ़िलहाल हम आधे रास्ते में हैं, मैं ये पहाड़ को देखना था थोड़ी देर के लिए ब्रेक लिया है। सो अभी निकलते हैं फटाफट, वहाँ से फिर रघुपुर फोर्ट भी जाना है। चलो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द रास्ता कवर हो गया, अभी बाकी बचा है आधा रास्ता। बहुत ज़्यादा ठंडी है बिकॉज माय गॉड जैकेट वगैरह नहीं लाया, ये तो ठंडी तो काफ़ी ज़्यादा है इधर। अगर आप आ रहे हो तो डेफिनेटली जैकेट वगैरह कैरी करना, ग्लव्स व्स भी नहीं पहना यार आज मैंने तो। और एक काफ़ी ज़्यादा नैरो रोड्स हैं, माय गॉड। तो ऑफ बीट लोकेशन लग रहा है ना। हाँ पूरा ऑफ बीट लोकेशन है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ओह माय गॉड क्या कट्स है यार, पूरा ब्लाइंड टर्न्स। सो गाइस बाइक वहीं पे लग गई है, जलोरी पास जो स्टार्टिंग में था वहीं पे लगा दिया है और अब हम जा रहे हैं रघुपुर फोर्ट के लिए। दिस इज द रूट, चलो दिस इज द रघुपुर फोर्ट रास्ता, यहाँ से निकलना है। दिस इज द रोड एंड यहाँ से रास्ता है, लेट्स गो। सीरियसली आ जाओ ये वाला रास्ता ये ऊपर वाला।
यही है बना है ना ट्रैक। हाँ तो दिस इज अ कच्चा रास्ता, ट्रैक है, ट्रैक चलते हाई क्या करके। हाँ ना काट फूट के बनाया है, ये वैसा रास्ता नहीं है ना जो चलते रहो तो बन जाता है। नहीं, हाँ बनाया गया है, जब इतना अच्छा व्यू है तो फिर बनाएंगे ना यार, रास्ता बनना ही था यहाँ का। ऐसे ट्रैक तो मैंने छोटे मोटे ना अकेली भी गई हूँ। रास्ता यही है, यही है। ओके हाय बोलो, हाय बोलो, तो रास्ता आप बना रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, सही है, बिल्कुल बिल्कुल, बनाना भी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। सो गाइस स्ट्रगल कर रहे हैं, रास्ता बना रहे हैं। फ्रूट्स ऐसे पूरे दिन चल रहे हैं। सो गाइस यहाँ से रघुपुर फोर्ट है 2 किलोमीटर, बस पता ही नहीं चला गाइस कब पहुँच गए। तो नाइस प्लेस, ये लड़का फोटो में आना नहीं चाहता बट आ रहा है सारा। हाँ मसल दिखा। सो गाइस काफ़ी पत्थर से बने हुए स्टेप्स भी है बीच बीच में, मतलब हाइकिंग है फिर नॉर्मल ऐसे दिया हुआ है प्लेन थोड़ा सा, ऐसा करके ये ट्रैक है। द प्लेस वॉज ऑसम, लुक एट दिस प्लेस, माय गॉड जनरल, लिटरली मजाक नहीं कर रही हूँ। इफ यू आर कमिंग टू जीबी ना डेफिनेटली रघुपुर फोर्ट का ट्रैक ज़रूर करना। हाँ ऑफ कोर्स आपको राइड भी रहेगी और ट्रैक भी दोनों रहेगा, सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। ऑलमोस्ट आई थिंक ये प्लेस नहीं है और ऊपर जाना है, बट हियर इज समथिंग टेंट एंड ऑल, आई थिंक यहाँ पे मिलेगा पानी एंड ऑल। सो इट्स अ स्मॉल ब्रेक, हो माय गॉड ये तो नहीं होगा और ऊपर ही होगा आई गेस। दिस इज़ अ मिडवे कैफे, मतलब बीच में एक छोटा सा ब्रेक टाइप। सी यहाँ से है 1500 meters, this is the place. So guys real hike तो यहाँ से शुरू है, अभी जितना है वो कुछ भी नहीं है literally। रास्ता लुक एट दिस, रास्ता ऐसा है पूरी चढ़ाव, ओह माय गॉड। सो आई गाइस बस 900 मीटर समथिंग बचा हुआ है एंड यहाँ पे ऊंट पे बैठी हुई हूँ। बुरा हाल है, लाइक बहुत ज़्यादा ऐसे स्लोप पे हाइकिंग है, लुक एट दिस, ऐसे हाइकिंग है। सो डेफिनेटली बैंड बजेगी, इफ़ यू आर कमिंग डोंट ईट हैवी फूड। सिड्डू दिक्कत कर रहा है। आप यहीं क्यों? क्या बात है, ये तो खुद ही कैसे चढ़ रहे हैं आंटी लोग, फटाफट चढ़ के फटाफट उतर रहे हैं। हाय बोलो, हाय बोलो, हाय हाय हाय, ज्यादा ऊपर तो नहीं है अभियान जी की। अच्छा ठीक है यार, ये लोग इतने इजीली चढ़ रहे उतर रहे, मेरी लिटरली बैंड बज चुकी है, फुल ऑन स्वेट। ये फ्रेंड कह रहा था पूरे गर्म कपड़े पहन ले, थैंक गॉड मैंने नहीं पहन लिया यार, वरना मैं तो गई थी, सीरियसली गई थी। लेट्स गो, बस थोड़ा बचा हुआ है, प्लीज अप। क्या नाम है आपका? शिवेन। मेरा भी चैनल है, दो दो चैनल है आपका? बिल्कुल, यूट्यूब चैनल है? यप। ओह माय गॉड इसका चैनल है भाई। तो मैं इससे चेरी मांग रही हूँ। और एक मेरा फ्रेंड भी है ऊपर। हाँ मैं लूँ? एक सेकेंड, कहाँ से खरीदा तुमने ये?
थैंक यू शिवन, से हाय, से हाय टू पीपल। मेरा नाम, मैं मोटो व्लॉगिंग करती हूँ बाइक पे। अच्छा। हाँ तो मेरा चैनल का नाम, मैं कहीं पे भी करता हूँ। तो मेरे चैनल का नाम है वांडरर क्वीन यश। वांडरर क्वीन यश, दिस इज द प्लेस। हे जल्दी फोन दो। हाँ सो गाइज ऑलमोस्ट रीच, आई थिंक दिस इज अ प्लेस। हे सो गाइज कंटिन्यू करते हैं, और ऊपर जाना है, वहाँ पे फोर्ट है ना, तो फोर्ट है, बाकी सारे लोग आ रहे हैं पीछे, हम चलते हैं फटाफट। क्योंकि ना शाम 4:30 बज रहे हैं गैस, पूरा बादल हो चुके हैं अभी, और हैंड्स पूरे फ्रीज हो चुके हैं, कोई जॉकेट वॉकेट कुछ नहीं लाया मैंने, किसी की बात नहीं, मैंने अब पछता रही हूँ, सो फकिंग कोल्ड। थोड़ी सी और चढ़ाई और ऊपर, बस अभी स्काई टच करना बाकी है। सो गाइस दैट्स अ प्लेस, रघुपुर फोर्ट, लेट्स गो देयर। बस आ गया, नीचे से चढ़ के आए पूरा। कल 480 किलोमीटर्स ऑफ राइड, जो सुबह 4:30 से शुरू हुई थी, और अगले दिन तुरंत इतना लंबा हाइक एंड ट्रैक। ओह माय गॉड, सो टायर्ड। इतना ऊपर आने का ना ये बन गया। आप यहीं क्यों भैया? अच्छा, सो हाय बोलो। बहुत अच्छा है। हेलो, ऐसा लग रहा था नीचे से आने में ना बहुत दिक्कत हो रही थी, बट आने के बाद। सो गाइस यहाँ पे भोलेनाथ जी, इसी के लिए यार इतना ऊपर आई हूँ मैं दर्शन के लिए। सो पूरा देखो, पूरा राउंड, मतलब इतना सुंदर पीक है ये। अभी थोड़े ये बादल है ना, हाँ ये तो और भी सुंदर दिखता है। अच्छा, अभी बादल बादल है। हाँ बादल काफी है ना भाई आज। लुक एट दिस व्यू गाइस, के मालिक है वो बोल रहे हैं। हाय गॉड, सो और यहाँ जी शिव जी है। इतना ऊपर चढ़ाई गाइस, वर्थ इट, लिटरली वर्थ इट। कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे कॉफी तो पिला सकते हो ना, हाँ फिर बात खत्म हो गया। सो गाइस यहाँ पे लग रहा है मेरा टेंट अकेले का। तो भैया लोग, ये लोग ऑर्गेनाइज करते हैं टेंट एंड ऑल। सो रात में मैं दिखाऊंगी, बाकी आपको सुनाऊं। चलो मिलते हैं, लेट्स गो, डू इट फास्टर फास्टर फास्टर। बहुत ज्यादा हवा चल रही है,
टेंट उड़ रहा है। सो गाइस लुक एट दिस, आज वेदर ना बहुत ज्यादा खराब है, तो हम अंदर बैठे हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा तूफानी हवा चल रही है राइट नाउ, एंड दिस इज द जन्नत। पता नहीं क्या है ये, गर्म सा है यार यहाँ पे, देखो तंदूर बोलते हैं, तंदूर या इसको बोलते हैं तंदूर। यहाँ पे बहुत वार्म है, ये सारा रूम इन्होंने वार्म कर रखा है क्योंकि बाहर बहुत तेज हवा चल रही है, बहुत तूफान है।